हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट साबुदाना वड़ा की रेसिपी। ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है गाइस, क्योंकि ये इंस्टेंट है तो मैंने वीडियो में कुछ ऐसा तरीका शेयर किया है जिससे कि आपके साबुदाना वड़े बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी, कम टाइम के अंदर और बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ रेडी हो जाएंगे। आप खुद जरूर इस वीडियो को देखकर इस रेसिपी को ट्राई करना चाहोगे गाइस। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं इंस्टेंट साबुदाना वड़ा। साबुदाना वड़ा बनाने के लिए मैं एक कप साबुदाना ले रही हूँ। इसको मैंने बिल्कुल भी भिगोया नहीं है क्योंकि ये इंस्टेंट साबुदाना वड़ा है, तो इसको हम जल्दी से बनाएंगे और कभी भी टाइम ना हो तो आप इजीली ये साबुदाना वड़ा इंस्टेंट वाला बना सकते हो। तो इसको हम रोस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए और हमने इसका बेसिकली साबुदाना का बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे थोड़ा थोड़ा रोस्ट हो चुका है तो इसको अब हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए और हम इसको ईजिली पाउडर फॉर्म में लेके आ सकें। तो अब उसी कढ़ाई के अंदर मैं ये पीनट्स भी रोस्ट करने वाली हूँ। 1/2 कप पीनट्स हैं ये, तो ये प्लेन पीनट्स हैं। तो रोस्ट करने से ये होगा कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो इजीली रिमूव होगा ही और इजीली ये ग्राइंड भी हो पाएंगी। तो अब हम इसको तभी इसको रोस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए साबुदाना भी जो है ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसको अब ग्राइंड कर लिया है। तो कितना प्रॉपर पाउडर फॉर्म में ये आ गया है। तो इसको मैं अब एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब उसी जार के अंदर मैं डाल रही हूँ 2 पोटैटोस। तो ये 2 आलू कच्चे आलू हैं, तो जैसे आपको लगे कि आलू ग्राइंड नहीं हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हो। तो जैसे ये देखो ग्राइंड हो चुका है, मैंने उसको भी मिक्सिंग बोल में डाल दिया है और ये आ गई हैं हमारी ग्राइंडेड पीनट्स। तो पीनट्स को भी आपको ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अब उसी जार के अंदर मैं डाल रही हूँ ये जिंजर का 1 इंच का पीस और 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। तो ये सारी चीज़ों का भी हम पेस्ट बना के इसी मिक्सचर के अंदर डालने वाले हैं। तो इस मिक्सचर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हरी मिर्चों का तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप जैसे इसके अंदर डालोगे और इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें सेंधा नमक, क्योंकि ये व्रत में बनाए जाते हैं साबुदाना वड़ा, तो ये सेंधा नमक डलता है। अगर आप वैसे बना रहे हो तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पूरा 1 नींबू का रस। तो नींबू का रस का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है वड़े के अंदर। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके एक बोल में नीड करके आटा सा बना लेंगे, जैसे एक टिक्की का प्रॉपर मिक्सचर होता है वैसे। तो ये देखो मैंने उसी जार को अच्छे से धो के थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल के मैं इसको अच्छे से बाइंडिंग फॉर्म में लेके आ रही हूँ। तो देखो ऐसे मैं बाइंड कर रही हूँ तो ईजिली ये बाइंड हो रहा है। तो क्योंकि ये साबुदाना है अभी थोड़ा सा फूलेगा, तो अब इसको हम 2-10 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं जब तक हम अपनी हरी चटनी बना लेते हैं नवरात्रि वाली। तो ये मैं ले रही हूँ थोड़ा सा धनिया, साथ में 2 हरी मिर्चें और ये आ गया है सेंधा नमक और साथ में 2 चम्मच दही डाल रही हूँ नॉर्मल वाला। तो इसका आप अच्छे से पेस्ट बना लो और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा अदरक। तो इसको अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे, इसमें और कुछ भी नहीं डालना। तो ये देखिए मैं पेस्ट इसको अब बना लिया है, तो कितनी अच्छी ग्रीन चटनी बन चुकी है। तो मैं इसको अब एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये वड़े इसके साथ ग्रीन चटनी के साथ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये अब मैंने अब वड़ों की बारी है। तो जैसे ही वो थोड़ा सा जार गंदा था तो उसको मैंने वॉश करके इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि उसमें भी हरी मिर्ची और धनिया ही था तो मैं कुछ वेस्ट नहीं करना चाहती। तो उसके अंदर मैंने डाल के अच्छा सा इसका मैंने ऐसे पूरा मिक्सचर बना लिया है। तो देखो मैंने बॉल शेप लिया है, तो ऐसे बॉल शेप तक का साइज़ हम लेंगे, फिर हम उसको ऊपर से प्रेस करके और साइड से अच्छे से इसको ऐसे फिंगर से इसको दबाएंगे ताकि ये इसके अंदर क्रैक्स ना आए। मेन आपको देखना है इनके अंदर क्रैक्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर इनके अंदर क्रैक्स होंगे तो जब आप इसको फ्राई करोगे तो ये टूटेंगे और इनमें तेल भरेगा। तो आपको क्रैक्स का मेन ध्यान रखना है और इसका पानी डाल के जब हम आटा बनाते हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ का आपको कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। अगर आपको लगे थोड़ा हार्ड हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसको पानी डाल के सेट कर सकते हो। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल के देख लिया, बिल्कुल गर्म तेल है। आपको ज़्यादा तेल गर्म नहीं डालना है, तेल गर्म होना चाहिए पर एकदम तेज़ नहीं गर्म होना चाहिए कि आप डालो और आपके वड़े जल जाएं।
तो हम जो भी वड़े डालेंगे उसके अंदर हम कम से कम, नहीं तो एक एक मिनट के डिफरेंस में हम सारे वड़े डालेंगे वन बाय वन। एकदम से सारे वड़े नहीं डालने हैं क्योंकि सारे टेम्परेचर जो है ऑयल का बेकार हो जाता है, तो आपको थोड़ा रुक रुक के वड़ों को डालना है आधे आधे मिनट में या एक एक मिनट के डिफरेंस में। तो देखिए जो वड़े हैं वो एक साइड से हो चुके हैं, तो अब आप पूछोगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि वड़े हमारे कच्चे हैं, साबूदाना कच्चा है क्या है। तो जब हमने पहले वड़े डाले थे वो थोड़े से डिप हो रहे थे, तो उसके बाद जब मैंने निकाले हैं तो ऊपर फ्लोट करने लग गए, तो वड़े बिल्कुल डन हो चुके हैं। इनको मैंने एक टिश्यू पेपर पे निकाल दिया है, तो मैं अब इसको आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखो मैंने तोड़ा है तो अंदर से कितना सॉफ्ट है और ऊपर से कितना ही क्रिस्प है दोनों साइड से। तो आप इस वड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिए इस नवरात्रि में हरी चटनी के साथ। सो फ्रेंड्स, देखा आपने ये वड़े कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बने थे और कितना कम टाइम लिया इन्होंने। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको न्यू वीडियो में मिलूंगी विद न्यू रेसिपी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, कीप